हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय पठार यानी कि भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में कुछ जानकारी को देखा था। वहाँ पर हमने प्रायद्वीपीय पठार की जो विशेषताएं हैं उसमें इसका जो विस्तार कहाँ कहाँ पर है, कितनी दूर तक है, ये सब सारी चीज़ों को देख लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वह वीडियो पसंद आया होगा और जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ साथ अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों, पिछली वीडियो को देखने के साथ ही प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारी जानकारी को भी देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे मेवाड़ पठार के बारे में, जो कि हमारा केंद्रीय उच्च भूमि का ही भाग है। आप लोग मैप में भी देख ही रहे हैं, ये पहला नंबर जो है वह है हमारा मेवाड़ पठार और यह केंद्रीय उच्च भूमि का ही भाग है। तो चलिए हम लोग मेवाड़ पठार के बारे में जानते हैं। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत के पूर्व की ओर राजस्थान में स्थित है। तो यह जो है हमारा मेवाड़ पठार वह अरावली पर्वत के पूर्व दिशा की ओर है यानी कि दाहिनी ओर है यह मेवाड़ पठार, और इसका जो विस्तार है वह पूरी तरीके से राजस्थान राज्य में है। तो मेवाड़ पठार का विस्तार जो है वह पूरी तरीके से भारत के राजस्थान राज्य में है और यह अरावली पर्वत के पूर्व दिशा की ओर है। तो ये आपको याद रखना है। यह पठार क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तो इस जो पठार है मेवाड़ पठार, इसका निर्माण जो हुआ वह क्रिस्टलीय रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों से ही बना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो पठारों का निर्माण हुआ है वह विभिन्न कारणों से हुआ है, जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक जो हलचल हुआ है उसके कारण से कुछ कुछ पठारों का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ लावा के निकलने से, लावा जब पृथ्वी में पूरा फैल गया तो फिर वह जमा होने के बाद में कठोर हो गया, कुछ चट्टानें बन गई, तो इनसे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है मेवाड़ पठार, उसका निर्माण हुआ है क्रिस्टलीय चट्टानों से, क्रिस्टलीय शैलों से, साथ ही साथ रूपांतरित शैल जो है उनके द्वारा यह मेवाड़ पठार बना हुआ है और आग्नेय शैलों से भी यह मेवाड़ पठार बना हुआ है। बनास नदी अरावली पर्वत से निकलकर मेवाड़ पठार में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपने मैप में देख ही रहे हैं, ये जो मेवाड़ पठार है उसके बीचों बीच से हो, मतलब बीच से होकर के एक नदी ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, तो यही है हमारा बनास नदी। तो यह जो बनास नदी है वह अरावली पर्वत से निकलता है और मेवाड़ पठार में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। तो आपको यह जानकर ध्यान में रखना है, बनास नदी जो है अरावली पर्वत से निकल करके मेवाड़ पठार में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है, और यह जो चंबल नदी है वह गंगा और उसकी सहायक नदियों की सहायक नदी है यह चंबल नदी। तो आपको ये याद रखना है, बनास नदी है जो मेवाड़ पठार से होकर के गुजरती है और आगे जा करके चंबल नदी में मिल जाती है। मेवाड़ पठार में स्थित प्रमुख शहर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर आदि हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं इस पठार में स्थित कौन कौन प्रमुख शहर हैं या कौन कौन प्रमुख प्रसिद्ध जगह हैं, तो उसमें हमारा मिलता है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, इस प्रकार के और शहर भी हैं और ऐसे ही जगह हैं। लेकिन प्रमुख अगर बात करते हैं जो नामी है उसमें है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर आदि। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ हम लोग यहाँ पे नाम सुनते ही सबसे पहले हमारा ध्यान आता है महाराणा प्रताप के बारे में, जो कि चित्तौड़ के राजा थे। चित्तौड़ से इनका बहुत ज़्यादा लगाव था, तो महाराणा प्रताप से रिलेटेड है यह हमारा चित्तौड़गढ़, तो इसीलिए यह नाम भी हमें याद रखना है। तो यह जो चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, अजमेर है, ये सब सारे के सारे मेवाड़ पठार पर ही स्थित प्रमुख जगह है या प्रमुख स्थल है। अब दोस्तों, हम लोग अगला जो है दूसरे नंबर पर वह है हमारा मालवा पठार। तो मालवा पठार के बारे में अभी हम इसको जानकारी को देखते हैं। तो मालवा पठार का जो विस्तार है वह उत्तर में है उत्तरी मैदान यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं सतलज गंगा के मैदान, पश्चिम की ओर मेवाड़ का पठार, साथ ही साथ अरावली पर्वत के साथ में यह घिरा हुआ है, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी के साथ में यह लगा हुआ है यानी कि दक्षिण दिशा में है इसके विंध्य पर्वत श्रेणी, और पूर्व दिशा की ओर है बुंदेलखंड पठार जो कि 3 नंबर है हमारा। तो इसका जो विस्तार है या अवस्थिति जो है वह उत्तर में है उत्तरी मैदान, दक्षिण में है विंध्य पर्वत श्रेणी, पूर्व में है बुंदेलखंड पठार और पश्चिम में अरावली और मेवाड़ पठार, तो इसी के बीच में है हमारा यह मालवा का पठार। और यह 3 राज्यों गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो इसका जो विस्तार है, जो स्थिति है, वह भारत के 3 राज्यों में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है इसका फैलाव। और इसमें भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसका अधिकांश जो भाग है वह मध्य प्रदेश राज्य में फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश में है इसका अधिकतम भाग। अगर हम लोग बात करते हैं कि मालवा पठार का जो जितना क्षेत्रफल है वह जो है कितना प्रतिशत भाग
मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के साथ में मालवा का जो हिस्सा है वह है 28%, ये आपको याद रखना है। 28% भाग मध्य प्रदेश में ही मालवा पठार का फैला हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों जिसमें से नीस, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से ही इसका निर्माण हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी क्रियाएं होने के बाद में जो ये पठार बना है उस समय यहाँ पर जो चट्टानें बन गई हैं लावा निकलने के बाद में, लावा का उद्गार होने के बाद में, जमने के बाद में, उसमें से बेसाल्ट चट्टानें, नीस और ग्रेनाइट के द्वारा ही यहाँ मालवा पठार का निर्माण हुआ है। और ये सब सारी जो चीज़ें हैं वह ज्वालामुखी चट्टान है। मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों ये जो पठार है उसमें काली मिट्टी की अधिकता है या अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लावा निकला था, जो उद्गार हुआ था, उसके बाद में लावा पूरी पृथ्वी में फैलने के बाद जब फैल गया तो उसमें काली मिट्टी की परत चढ़ गई है, यानी कि पठार में पूरी तरीके से काली मिट्टी का लेप लगा हुआ है, यानी कि परत चढ़ा हुआ है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो यह जो काली मिट्टी है वह कपास की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, यानी कि कपास का उत्पादन काली मिट्टी पर बहुत ज़्यादा होता है, और यह जो है मालवा पठार उसमें काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई है, तो इसी कारण से काली मिट्टी पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा होता है। कर्क रेखा मालवा पठार से होकर के गुजरती है। दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं भारत में तो 23.5 डिग्री जो है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वह कर्क रेखा होता है, और यह भारत को लगभग बीचों बीच से होकर के काटती है। तो यह जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा वह मालवा पठार से होकर के गुजरती है, तो आपको यह भी ध्यान में रख लेना है, याद कर लेना है। तो कर्क रेखा जो है वह मालवा पठार से होकर के गुजरती है, अगर इसको हम लोग इस प्रकार से खींचते हैं तो यहाँ पर मालवा पठार से होकर के गुजर जाएगी। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है जिसकी ऊंचाई है 871 मीटर या 881 मीटर। दोस्तों यह जो मालवा पठार है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं इस मालवा पठार में, तो उस चोटी का नाम है सिगार, नाम आपको याद रख लेना है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसको कहीं कहीं पर इसकी जो ऊंचाई हुआ 871 यानी कि 871 मीटर, या तो 881 मीटर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो यहाँ से जो भी ऑप्शन में रहेगा उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। तो आपको ये याद रखना है कि मालवा पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सिगार। मालवा पठार से चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती, छिप्रा आदि नदियाँ बहती हैं। तो दोस्तों यह जो है हमारा मालवा पठार, यहाँ से विभिन्न प्रकार के छोटी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, उसमें से जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उनमें से चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती और छिप्रा, ये नदियाँ प्रमुख रूप से हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नदियाँ हैं जो इस पठार से बहती हुई गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिल जाती हैं। मालवा पठार पर उत्खात भूमि, खड्ड भूमि या बीहड़ भूमि और साथ में अवनालिका अपरदन भी पाया जाता है। तो दोस्तों यह जो हमारा मालवा पठार है इसमें से हम लोगों को बीहड़ भूमि या खड्ड भूमि या उत्खात भूमि पाया जाता है। तो दोस्तों यह क्या है तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो ये जो पठार है इसमें इतनी ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, तो ये जो नदियाँ हैं वे लोग अपने रास्ते में इतना ज़्यादा काट छांट किए हैं, मतलब इसको बहुत ज़्यादा ही काट छांट किया गया है, एकदम टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के नदियाँ पूरा बहती हुई इनकी जो कटाव है पठार को उसको काटा गया है, और उसमें बड़े बड़े छोटे छोटे सभी प्रकार के गड्ढे बना दिए गए हैं। यहाँ पर एकदम पूरे पठार को काट काट करके ऐसे भूमि बना दिया गया है कि यहाँ पर छिपने के लिए भी जगह हो जाता है। तो ये जो होता है जिस प्रकार से काटा गया है भूमि उससे यहाँ पर बीहड़ भूमि या खट भूमि या उत्खात भूमि उसी को कहते हैं। बहुत ही विभिन्न प्रकार के तरीके से इसको काटा गया है, एकदम से कहीं कहीं पर धंसा हुआ है ये जो पठारी क्षेत्र है उसको धंसा गया है कहीं कहीं पर, और यहाँ पर साथ ही साथ अवनालिका अपरदन भी पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो नदियाँ हैं इस प्रकार से बहती हुई अपने रास्ताओं को ये चेंज करते हुए बहती गई हैं, तो इससे वहाँ पर नाली नुमा भी संरचना बन गई है। तो यहाँ पर अवनालिका अपरदन भी हुआ है क्योंकि मिट्टी को पूरे एकदम काट काट के इसका अपरदन कर दिया गया है और वो नाली के रूप में काटा गया है। इस प्रकार से यह मालवा पठार का कटा हुआ है चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती, छिप्रा इन नदियों के द्वारा। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये चीज़ कि उत्खात भूमि, खड्ड भूमि या बीहड़ भूमि, साथ ही साथ अवनालिका अपरदन भी पाया जाता है। दोस्तों ये जो बीहड़ भूमि है इससे हमें एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि
आप लोग सुने होंगे चंबल के डाकू, यहाँ पर चंबल के डाकू, तो इनके लिए जो छिपने की जो जगह थी वह यही खड्ड भूमि या बिहड़ भूमि या उत्खात भूमि ही इन लोगों के लिए बेस्ट थी। यानी कि चंबल के डाकू लोगों को छिपने की जगह अच्छे खासे मिल जाती थी यहाँ पर मालवा पठार में, तो इसी कारण से चंबल के डाकू ये आप लोग अभी सुने होंगे। मालवा पठार में स्थित प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, देवास, ग्वालियर, पीथमपुर, उज्जैन, विदिशा, रतलाम आदि हैं। ये सब वहाँ पर स्थित प्रमुख शहर हैं, प्रमुख स्थान है। उसमें से भोपाल जो है वह मध्य प्रदेश की राजधानी है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर इंदौर भी है, यह भी आप लोगों ने सुना ही होगा। देवास भी है, ग्वालियर भी है, पीथमपुरा भी है, उज्जैन है, विदिशा है, रतलाम आदि है। इसमें से दोस्तों ये जो उज्जैन है, यह उज्जैन यह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उज्जैन में ही महाकालेश्वर का मंदिर है। यह जो उज्जैन है वह क्षिप्रा नदी के किनारे में बसा हुआ है, तो आपको यह जानकर ध्यान में रखना है, याद कर लेना है कि उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये आपको क्वेश्चन लगातार कहीं ना कहीं पर मिल ही जाते हैं, आपको ये याद रखना है। और ये जो दोस्तों क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन शहर है, यहीं पर है हमारा महाकालेश्वर का मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर है, तो आपको ये भी जानकारी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है और यह उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको इतनी सारी जानकारियाँ याद रखनी है। तो दोस्तों यह था हमारी जानकारी मेवाड़ पठार और मालवा पठार के बारे में, तो इसको आप लोग नोट के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों जो चैनल में नए आए हैं वह पिछली वीडियो को जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर भी ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। आगे की वीडियो में हम लोग बुंदेलखंड पठार, भंडर पठार, रीवा पन्ना पठार और रोहतास पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग चैनल के साथ में बने रहें। थैंक यू दोस्तों।